हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम्स कीवर्ड्स। कीवर्ड स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बार ग्राफ। अ बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नंबर्स और क्वांटिटीज यूजिंग अ बार और स्ट्राइप्स। देखिए बार ग्राफ क्या है। बार ग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, नंबर्स की या क्वांटिटीज की, यूज करके बार्स या स्ट्रिप्स को यूज करके हम वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। सेकंड इज ग्राफ्स। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा। जो ग्राफ है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है गिवन डेटा की, यानी कि कोई भी, जैसे कोई भी ग्राफ बना सकते हैं हम, लाइन ग्राफ बना सकते हैं, ये एक्स और ये वाई एक्सिस के अलोंग में हम बार ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे हम लाइन ग्राफ बना सकते हैं। थर्ड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ मोशन वेयर अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइसी वर्सा। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, वो टाइप का मोशन है जिसमें जो बॉडी है वो कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या वाइसी वर्सा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फोर्थ इज ऑसिलेशन। अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स अबाउट इट मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। देखिए ऑसिलेशन क्या है कि टू एंड फोर मोशन होना किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का अबाउट इट मीन पोजिशन, यानी जैसे कि सपोज कीजिए ये पेंडुलम है, ये बॉब है, ये यहाँ से पहले और ये ओ पॉइंट है, तो पहले ए से ओ गया, फिर वापस ए से ओ आया, फिर ये वापस ए से ओ से बी गया, दैट इज ऑसिलेशन। फिफ्थ इज सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट अ मेटल बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अलाउड टू स्विंग टू एंड फ्रो मोशन फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। देखिए जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या है, सिंपल पेंडुलम जो है वो कंसिस्ट करता है एक मेटल बॉब जो सस्पेंडेड होती है एक फिक्स पॉइंट पे और जो स्ट्रिंग और अलाउ किया जाता है पेंडुलम को स्विंग करने के लिए टू एंड फ्रो मोशन में फ्रीली, किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। सिक्स्थ इज स्पीड। अ डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड क्या है कि जो डिस्टेंस है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है एक यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्पीड। जैसे कि स्पीड जो है उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेवेंथ इज टाइम पीरियड। अ टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड क्या है कि वो टाइम जो एक पेंडुलम कंप्लीट करता है एक ऑसिलेशन करने के लिए, एक कंप्लीट वन ऑसिलेशन करने के लिए, उसको टाइम पीरियड कहते हैं एंड उसको इट्स टाइम पीरियड कहते हैं। एट इज यूनिफॉर्म मोशन। अ मोशन वेयर अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जिसमें जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नाइन्थ इज यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम इज एनी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यूज एज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरिंग और एक्सप्रेसिंग ड्यूरेशन। यूनिट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यूज़ किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड वे में ताकि हम मेजर कर सके या एक्सप्रेस कर सके ड्यूरेशन को। सो ऐसा यूनिट यानी कि टाइम की है वो सेकेंड है, और हम मिनट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू।